एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग विद दिस टी और अभी टाइम हो रहा है 6:45 तो गुड मॉर्निंग हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल सभी छोटे बड़ों को तहे दिल से राम राम। ये हम, ये बर्ड्स और ये पानी। तो चाय के संग थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। जब तक आप थोड़ा सा आनंद लो बर्ड्स का। देखो क्या फ्लाइंग करके आ रही है, क्या बात है, क्या बात है। ट्रेनिंग चली गई। तो मैं जा रहा हूँ अभी केवलादेव नेशनल पार्क और आज है 10 अक्टूबर और हमारे इवेंट का लास्ट डे है, तो उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे कि आज क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मैं पार्क पहुँचता हूँ। पार्क पहुँच के अपडेट लेते हैं कि आज कहाँ जाना है। आज अपन लाड़ू को निकाल लाए हैं और आपकी खिदमत में मेरी लाड़ू फिर हाजिर है अपना तेवर अपना जौहर दिखाने के लिए। आज हम 99% पार्क ना जाके बाहर कहीं बर्ड वॉचिंग करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं आगे क्या होता है। पार्क पर मेरा अंसार वेट कर रहा है, तो फिर वहाँ जाके पता चलता है कि आगे की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। तो हम निकल चुके हैं अब अजान डैम के लिए और गेट पर हमने एंट्री करा दी है और राज साहब से हमें मिल लिया कि हम आज जा रहे हैं बाहर। क्योंकि आज एक्चुअली क्या कल केवलादेव पार्क किया था हमने, आज दोबारा केवलादेव पार्क में काफ़ी टीमें हैं, तो हम सोच रहे हैं कुछ नई स्पीशीज़ अगर फाइंड आउट हो जाए कोई तो वो करें। और हमारे श्याम जी ऑलरेडी वहाँ पर हैं क्योंकि उनका गाँव है अघापुर। हाँ जी बिल्कुल, मैं अघापुर जा रहा हूँ। मेरे पीछे सुनील भाई साहब बैठे हुए हैं अपनी लाड़ों से और आज की बर्ड वॉचिंग 11:30 बजे तक होगी और उसके बाद फिर आज क्लोजिंग सेरेमनी भी है। आज क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं और इस इवेंट को आज ख़त्म होना है। बड़ा ऐसा लग रहा है कि जन पता नहीं क्या ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आई होप कि दोबारा फिर इस इवेंट का हम आगाज़ करेंगे एक नए स्टाइल में और नए रंग रूप में। भरतपुर से निकलते ही पुलिया है, उसे लेफ्ट में टर्न करिए और सीधा मला गाँव होते हुए अजान डैम जाना है। अजान डैम पर काफ़ी स्पीशीज़ हैं और हमारे श्याम जी ज़्यादातर फ़ोटो डालते रहते हैं अपने गांव के आसपास के एरिया में जितनी भी बर्ड्स वगैरह मिलती हैं। तो आई होप कि आज हम भी लकी होंगे और हमें भी कुछ मिलेगा। तो आज वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अजान डैम पर होगी। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा मिलता हूँ मैं आपको अजान डैम पर। तो हम मिल चुके हैं हमारे श्याम भाई साहब के साथ और श्याम भाई साहब पहले से ही यहाँ पर खड़े हुए थे, बर्ड वॉचिंग कर रहे थे। और अब हम तीन भाई निकल चुके हैं और कोशिश करेंगे यहाँ कोई बढ़िया स्पीशीज़ फाइंड आउट हो जाए, ये हमारा आज का मोटो है। और आप मेरे पीछे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखो क्या बात है, देखो क्या बात है। ये हैं बर्ड्स, ये पूरी कैनाल जारी है, इसके चारों तरफ बर्ड, क्योंकि एक्चुअली जहाँ पानी होता है वहीं बर्ड्स होती हैं। मेरी लाड़ो जचती है, चलो एक बार आपको लाड़ो दिखाता हूँ। हालांकि ये ब्लॉगिंग उस टाइप का नहीं है, लेकिन लाड़ो दिखाता हूँ आपको कितनी शानदार लग रही है। ये मेरी लाड़ो है, दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल माय बाइक, आई कॉल हर लाड़ो। यस आई, मैं इसको लाड़ो कहता हूँ, कितनी शानदार बाइक है मेरी, क्या बात है, क्या बात है। हमारे श्याम भाई साहब हमारे लिए चाय लाए हैं और अभी थोड़ा बहुत थोड़ी सी धूप आ रही है ऊपर, तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ और फिर यहाँ से निकलते हैं। और देखो यार मैं तो कायल हो गया इस जगह का, इतनी बर्ड्स हैं यहाँ पे, वाह क्या बात है, मज़ेदार जगह। अब मैं आपको इस कैमरे को यहाँ सेट कर देता हूँ और चाय का लुफ्त ले लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आज यहाँ पर मोटर ब्लॉगिंग कर देंगे। मोटर ब्लॉगिंग हो रही है, बर्ड वॉचिंग हो रही है और क्या चाहिए, दोनों काम हो रहे हैं आज मेरे साथ। आज मैं बर्ड वॉचिंग भी कर रहा हूँ जो मेरा जुनून है, पैशन है, और लाड़ों पर कर रहा हूँ, मोटर ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो आपको पता ही है, वो तो मेरे को मोहब्बत है मेरी, क्या बात है। तो बर्ड वॉचिंग हो गई है अब स्टार्ट और हम श्याम जी को अब कर रहे हैं फॉलो। तो श्याम जी ने इसका नाम दे दिया है अघापुर बर्ड सेंचुरी, क्योंकि ये अघापुर गांव के पास है, अघापुर हमारे श्याम जी का गांव है। तो आज बर्ड वॉचिंग घने की बाउंड्री के बाहर हो रही है और देखिए हम कौन कौन से रास्तों से जा रहे हैं। श्याम जी आज हमें कहाँ लेके जाएंगे पता चलेगा। लाड़ू हमने खड़ी कर दी है सेफली, तो
है, दोनों बर्ड वॉचर लग रहे हैं। मेरा 100-400 लेंस है वो मेरे कैमरे पर लगा हुआ है, और वाइड एंगल लेंस है उससे मैं जो ब्लॉगिंग करता हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब 100-400 इस पर लगा है तो आज कोई भी बर्ड रहनी नहीं चाहिए, तो उसका फ़ोटोग्राफ खींचना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आज 100-400 पे काम कर रहा हूँ। व्लॉगिंग मैं सिर्फ अभी मोबाइल से कर रहा हूँ, तो इसलिए क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ कर लेना। और मज़ा आ रहा है इस डैम पर। एक्चुअली ये अजान डैम से जारी है कैनाल निकलकर, और इसमें काफ़ी फिशेज़ हैं जो बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं बर्ड्स के लिए, और बहुत छोटी छोटी बर्ड्स इसमें, और आज दो दो मिली, उसका मैं फ़ोटो डाल रहा हूँ। आपको आई होप कि पसंद आएगा। वीडियो बनाना तो बड़ा मुश्किल होता है। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अब फिर दोबारा बर्ड वॉचिंग करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी जरूरी है। चाय तो हमारी शाम जी ने पिला दी थी, उसके लिए उनको धन्यवाद। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, और बहुत ही शानदार लोकेशन है। एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ, मेरे चारों तरफ देखोगे तो चारों तरफ खेत हैं, बीच में ये कैनाल है, और कैनाल के दोनों साइड में काफ़ी सारी बर्ड्स हैं, और शानदार जगह है। हमारे श्याम जी इसको कहते हैं अगापुर बर्ड सेंचुरी। एक तो केवला देव नेशनल पार्क वाली सेंचुरी हो गई, एक अगापुर बर्ड सेंचुरी हो गई, और हमारे सुनील भाई साहब आ चुके हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे ब्लॉगिंग को। तो प्लीज़ थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए अभी। तो अब हो चुका है टाइम 10:10, और हम वापस घर की तरफ रिटर्न हो लिए हैं, और अप्रॉक्स 12 बजे तक या 1 बजे तक दाबाग पहुंचना है, क्योंकि आज क्लोजिंग सेरेमनी है। तो बहुत ही अच्छा रहा, और काफ़ी स्पीसीज़ इस अजान डैम के आसपास देखने को मिली, और थोड़ा सा इस जगह टाइम देने की बात है, लेकिन आज टाइम नहीं है एक्चुअली। इस पर किसी दिन और आएंगे और इस पर थोड़ा सा टाइम देंगे, और धूप भी बढ़ती चली जाएगी, तो वो भी दिक्कत है। तो बनाएंगे किसी दिन दोबारा प्लान। और बहुत ही शानदार फील्ड है ये बर्ड्स के लिए, और काफ़ी अच्छी जगह है, और एक्चुअली क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी थोड़ी सी कम है यहाँ पे, और मेन रोड से दूर है, तो काफ़ी अच्छा है। कैनाल है, कैनाल में पानी भी है, उनको फीडिंग के लिए मछली वगैरह भी मिल रही हैं, तो उस हिसाब से बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। आज इस ब्लॉग में मैं इसको ख़त्म नहीं कर रहा हूँ अभी, एक्चुअली क्या इसमें आज क्लोजिंग सेरेमनी है, उसी को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो उस हिसाब से एक ब्लॉग पूरा तैयार हो जाएगा। और नहीं तो फिर देखना पड़ेगा कि दो पार्ट में बना देता हूँ, कि इसको सुबह का एक पार्ट अलग और क्लोजिंग सेरेमनी का पार्ट अलग, जैसा भी होगा वो देख लूँगा। लेकिन अभी हम घर निकल रहे हैं और जल्दी घर पहुँचते हैं, फिर नहा धो के थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी में जाएंगे। तो एक्चुअली क्या, हम निकल रहे थे तो हमको ये दोनों भाई साहब मिल गए, ये हमारे बबलू भाई साहब हैं, अंसार भाई साहब के भाई साहब हैं, और ये हमारे लक्षण भाई साहब। तो बताओ थोड़ा सा कौन कौन सी बर्ड मिली है आज देखने को आपको। बर्ड्स का जो अंदर नंबर था अपना, एक ओरिएंटल डब मिली। अच्छा, जो आज आज हमको दिखी है, क्या बात है। लेकिन हमको आज ही दिखी है, पेंटेड स्टॉर्क थे और स्पूनबिल वगैरह, ये ब्रीडिंग कॉलोनी जो पार्क के अंदर देखते हुए आए। अच्छा, तो बाहर आए हैं तो यहाँ ये इंडियन कॉर्सर हमको, क्या बात है, देखी थी हमने, और येलो थ्रेडेड स्पैरो दिखती है। मतलब एक्चुअली लक्षण भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है ये वास्तव में बहुत शानदार फील्ड है, लेकिन प्रॉपर वर्क होना चाहिए, पूरा दिन होना चाहिए इसके लिए। एक्चुअली क्या है, अभी वर्क तो हो रहा है पर टेम्परेचर ज्यादा हाई है, टेम्परेचर ज्यादा हाई है, लोग परेशान हो रहे हैं धूप से और गर्मी से परेशान। आपके एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद थोड़ा सा टेम्परेचर कम आएगा तो तब मजा आएगा, तब मजा आएगा बर्ड वॉचिंग करने में, अपना पिकनिक बॉक्स लेंगे और लंबे टाइम तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% श्योर है। मैं श्याम जी से भी यही कह रहा था कि किसी दिन पूरा दिन देंगे और पिकनिक के तरीके से आएंगे और पूरे दिन बर्ड वॉचिंग करेंगे। अगापुर के हैं हमारे श्याम जी, उनका घर है एक तरीके से, इन्होंने कह दिया बिंदास आओ, झिक्के जाओ, झिक्के आओ। ठीक है भाई साहब, आप आए, जिसको भी आना है आप यहाँ पे, ये बहुत ही प्यारा एरिया। देखिए आपको पता है यहाँ पे तीन, अभी भी इस महीने, इस साल भी जी 1.5 महीने पानी भरा रहा है इसमें 10 फीट। जहाँ तक आपको अब ये खेतों में ट्रैक्टर दिख रहे ना जी, जहाँ तक कोई जमीन दिख रही है, कोई जमीन नहीं दिखता, एक टुकड़ा नहीं दिखता, सब पानी 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 पानी, क्या बात है। यानी कि ये वो जमीन है जिसमें 1-1.5 महीना पानी रहा है, अब इसमें जुताई हो रही है, तो जो भी कीड़े मकोड़े सब बाहर आ रहे हैं, तो यहाँ पे खाने की भरमार है, भरमार है बिल्कुल। अब इस एग्रीकल्चर लैंड को सर्च करोगे ना जी, आपको कम से कम 4 प्रकार के लार, अच्छा, और अपने एंडेमिक कोर्सर, इनके लिए लोग यहाँ से पहले भरतपुर से उमेड़ जाते थे। बिल्कुल पहले जाते थे, हाँ मैं गया हूँ, सही बात है। चेस्टनट वेल्ड सैंड ग्राउज,
अच्छा, और अभी हम लोगों ने मरलिन देखा, मरलिन देखी अपन ने, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल फीड कर रहा था। तो मतलब मरलिन यानी कि इनफ्रिक्वेंट है ये, कभी लोग कभी नहीं। हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसी ऐसी चिड़िया है यहाँ पे। मैंने कल शाम को मैं यहाँ देख रहा था तो 80 आपकी वो थी येलो बैक टेल। वाह क्या बात है। तो वो इस यहाँ पे बैठे थे, मेरा साथी सुनील भी था, वो हम लोग ने यहाँ देखा। तो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? वो एक फ्लॉक था जो अभी माइग्रेशन चल रहा है, वो यहाँ से निकल रहा था, उसने यहाँ देखा, खाना मिल ही गया तो हाँ रुका, वो स्टे करके गया, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए रुके, 2 घंटे के लिए, वो उनके ऊपर डिपेंड। ठीक है ठीक है। ऐसे जो पासेस माइग्रेंट है ना, उनको देखने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है। बिल्कुल, जब भी आए शानदार प्रोग्राम बनाए, पर प्लीज पूरा टाइम लेके आए, पूरा टाइम होना चाहिए, छोटा मॉर्निंग का करने, मॉर्निंग का नहीं है वो, एक्चुअली आज क्लोजिंग सेरेमनी है हमारी, तो आज का काम तो हम यही खत्म करेंगे। बरातपुर के सराउंडिंग क्या है कि बहुत सारी फील्ड और वाटर बॉडीज ऐसी हैं, डेवलप हो रही है भाई साहब, सर्टेन टाइम के लिए होती है। हाँ, सर्टेन टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको बर्ड्स मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, माइग्रेशन के टाइम ऑन द वे उनको पड़ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फील्ड कर रही है और आगे जा रही है। हमारे लक्षण भाई साहब बुलेट से आए हैं और वेरी वेरी वेल, और हम अब यहाँ से निकलते हैं और सीधा घर पहुँचते हैं। तो ब्लॉग को मैं बीच में बंद करने वाला था, लेकिन मेरे को लक्षण भाई साहब मिल गए और दैट्स अ वेरी ग्रेट पर्सन, और उनसे थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा सा समझने की कोशिश की। वो हमारे बाद आए थे, हम पहले आ चुके थे इस डैम पर, उन्होंने भी काफ़ी स्पीसीज़ वगैरह देखी और हमने भी काफ़ी देखी हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन का बटन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। तो अब यहां से निकलते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्लोजिंग सेरेमनी की वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।